हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में एस ब्लॉक एलिमेंट के नीट में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नीट 2020 में पूछा गया पहला क्वेश्चन, द फ्लोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। सो स्टूडेंट्स, हमें उस मेटल आयन का नाम बताना है जो एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, पार्टिसिपेट करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ATP प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सोडियम के साथ रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए। तो उस एलिमेंट का, उस मेटल आयन का हमें नाम बताना है, क्या वो आयरन होगा या फिर कॉपर या कैल्शियम या पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम K+। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज HCl वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस। सो स्टूडेंट्स, HCl को पास किया गया है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो जाएगा। बोथ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, वनली सोडियम क्लोराइड, वनली मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर तीनों सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा वनली सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि इनके पास क्या है, Z+ × Z-, जो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन है वो ज़्यादा होता है। इसी कारण हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो कौन क्रिस्टलाइज हो पाता है? सिर्फ NaCl, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है 2019 में, विच ऑफ द एल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म्स इट्स डाइहाइड्रेट साल्ट्स इजली। हमें बताना है कि कौन सा एल्कली मेटल का क्लोराइड डाइहाइड्रेट साल्ट इजली बना लेता है। फर्स्ट लिथियम क्लोराइड, सेकेंड सीजियम क्लोराइड, थर्ड रुबिडियम क्लोराइड, या फिर फोर्थ पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये इजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फॉर्म करता है लिथियम क्लोराइड .2H2O। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेंड बाई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। जो हम क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेंड करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन से, उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्रूड सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी तीनों एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं क्रूड सोडियम क्लोराइड में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए, मैग्नीशियम सल्फेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है? ऑप्शन है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा ए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद करना हो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि कौन कौन से एलिमेंट फॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इसका ट्रिक है जनाबे जिंक, जनाबे अली, मन से पंजाबी सॉन्ग, गाया करो। ओके, तो ZN जनाबे जिंक, बेरिलियम अली एल्युमिनियम, मन मैग्नीज, से SB पंजाबी PB लेड। ओके, सॉन्ग SN3, गाया गैलियम करो क्रोमियम। ओके, तो ये सारे एलिमेंट फॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 24 में पूछा गया ये फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करेंगे, इंजाइम डेट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्कलीन अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंजाइम्स जो कि फॉस्फेट ट्रांसफर के दौरान ATP का यूटिलाइज करते हैं, उन्हें एक एल्कली अर्थ मेटल का एज अ कोफैक्टर जरूरत पड़ती है, और उस मेटल का नाम होगा
फर्स्ट स्ट्रॉन्टियम या बेरिलियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो इसका सही जवाब होगा सी, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर यूज होता है उस सारे इंजाइम्स के द्वारा जो कि एटीपी यूटिलाइज करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर के दौरान। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एक्स इज 1s2, 2s2, 2p3। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है एक एलिमेंट से, एक्स से, जिसका हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो इससे हमें पता चला कि इसका वैलेंसी क्या होगा, 3। मतलब ये -3 स्टेट में रहेगा क्योंकि 2p3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट के लिए, और मैग्नीशियम होता है +2 स्टेट में। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका हमें केमिकल फार्मूला बताना है। तो सिंपल क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो जो केमिकल बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला होगा Mg3X2। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा डी, Mg3X2। में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड बैरियम हाइड्राइड द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें दे रखा है 3 ये कंपाउंड और इनका हमें बताना है आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं नीचे, जैसे देख लीजिए, ये बेरिलियम हो गया, कैल्शियम और बैरियम। तो जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है मतलब कि ऑर्डर होगा कुछ ऐसा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये बेरियम हाइड्राइड से ज़्यादा आयनिक कैल्शियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड से भी ज़्यादा आयनिक बेरियम हाइड्राइड। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी किए 2018 से 2020 के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 2017 और उसके पहले के पूछे गए क्वेश्चंस को। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।